फीचर आता है हिल असिस्ट करके नाम का। जैसे अपना ऑटो होल्ड होता है ना, कि ऑटो होल्ड में से हमें ब्रेक और एक्सेलरेट करना पड़ता है, तो उसके बाद ऑटो होल्ड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट अपने आप होता रहता है। तो सेम हमारा हिल असिस्ट एक इसमें फीचर आता है, जब भी हम कहीं हिली एरिया पे होते हैं या कहीं स्लैंटिंग पोजिशन में हमारी गाड़ी होती है, तो उसमें कुछ सेकेंड के लिए हमारा ब्रेक जो होता है वो होल्ड हो जाता है। जस्ट बिकॉज जैसे कि हम कोई जिस गाड़ी में हैंड ब्रेक है, लाइक हम उसमें हैंड ब्रेक ऊपर खींच के फिर हम एक्सेलरेट कर देते हैं, जब हैंड ब्रेक को नीचे कर देते हैं ना, जिससे कि गाड़ी पीछे ना जाए, तो हिल असिस्ट इसलिए है। कहीं भी आप हिली एरिया में जा रहे हैं या आप कहीं भी स्लैंडिंग जगह पे खड़े हैं, तो उसमें आपको कुछ सेकेंड का ब्रेक होल्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप गाड़ी को ईजिली हिली एरियाज में मूव कर पाते हैं। बाकी ऑटो होल्ड में और इसमें दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है, बस यही है कि ऑटो होल्ड एक परमानेंट उसको गाड़ी को स्टॉप कर देता है हिल एरिया में, और आपको जो हिल असिस्ट है वो कुछ सेकंड के लिए स्टॉप करता है, कुछ सेकंड के लिए पहुंच जाता है, जिससे कि आप गाड़ी को इजिली स्लैंडिंग एरिया में या हिल एरिया में मूव कर पाए। तो मुझे जरूर बताना कि आपको ये हिल असिस्ट का फीचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में।